दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने गूगल डायलर में किसी भी नंबर पर बात करते टाइम उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करते टाइम जो अनाउंसमेंट होता है उस अनाउंसमेंट को यानी कि रिकॉर्डिंग वार्निंग को किस तरह से ऑफ कर सकते हैं। आपको बताया कि जब भी हमारे फोन पे कोई कॉल आता है या हम किसी को कॉल करते हैं, जैसे कि एक कॉल में डायल कर देता हूँ, जैसे हम इसको कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद जैसे यहाँ पे रिकॉर्डिंग तो जैसे हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग बटन पे टैप करते हैं तो उसमें एक अनाउंस होता है, वो हमें भी सुनाई देता है और सामने वाले पर्सन को भी सुनाई देता है, जिससे कि उसको पता चल जाता है कि उसकी कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन आज के वीडियो में आप लोगों को ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने गूगल डायलर का यूज करेंगे लेकिन इसमें कॉल रिकॉर्डिंग के टाइम पे किसी भी तरह की वार्निंग या फिर अनाउंसमेंट नहीं होगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग के टाइम पर होने वाले अनाउंसमेंट को हम किस तरह से डिसेबल कर सकते हैं यानी कि इस वार्निंग को किस तरह से ऑफ कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर आपको बेल आइकन पर प्रेस करना और यहाँ पर ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो लाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपके गूगल डायलर में होने वाले कॉल रिकॉर्डिंग के अनाउंसमेंट को बंद करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद इस एक छोटी सी एप्लीकेशन को आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। इसका नेम एंड लोगो आप यहाँ पे देख लीजिए, TTSLEXX इस एप्लीकेशन का नेम है। इसको आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको ओपन भी नहीं करना, सिर्फ आपको अपने फोन में इंस्टॉल करके छोड़ देना है। आपको जाना सिंपली अपने मोबाइल की सेटिंग में। चलिए मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। मोबाइल की सेटिंग को ओपन करने के बाद ऊपर की साइड आपका जो सर्च बार होता है आपको सर्च बार पे टैप करना है और सर्च बार पे आने के बाद यहां पर आपको टैप करना है दोस्तों टेक्स्ट टू स्पीच। चलिए मैं यहां पर टैप करके आपको दिखा देता हूं। टेक्स्ट टू स्पीच हम यहां पर टाइप करेंगे। जैसे आप टेक्स्ट टू स्पीच टाइप करेंगे फर्स्ट नंबर पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद यहां पर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर आपको प्रीफर्ड इंजन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली प्रीफर्ड इंजन वाले ऑप्शन को यहां से ओपन कर लेना है। अब इसको ओपन करेंगे तो यहां पर आपको स्पीच सर्विस बाय गूगल का ऑप्शन मिलेगा और सेकंड नंबर पर आपको TTSLEXX मिलेगा जो कि हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल की है। अगर आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो यहां पर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा, ये सर्विस बाय गूगल। और अगर आपका यह सिलेक्ट है तो आपको वहां पे कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट की प्रॉब्लम आएगी, जैसे आप कॉल रिकॉर्डिंग के बटन पे टैप करेंगे वहां पर अनाउंस होगा। इससे बचने के लिए आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, इस ऑप्शन में आना है, प्रीफर्ड इंजन में आना है, तो आपको यहां पे एक सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा TTSLEXX का, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको ओके कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन था बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट था स्पीच सर्विस बाय गूगल का, वो यहाँ से डिसेबल हो चुका है और सेकंड वाला यहाँ पे हमने एनेबल कर दिया है। इससे क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर स्पीच सर्विस बाय गूगल यानी कि गूगल सर्च इंजिन की जो स्पीच सर्विस होती है वो आपके गूगल डायलर पे एक्टिवेट होती है और उसी की वजह से जब भी आप किसी के कॉल को रिकॉर्ड करते हैं जैसे रिकॉर्डिंग वाले बटन पे आप टैप करते हैं तो गूगल की तरफ से वो अनाउंस होता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि गूगल के इंजन को ऐसे चेंज कर दिया और उसकी जगह हमने TTSLEXX जो हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी उस सर्च इंजन को यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया है। अब इससे क्या होगा दोस्तों कि आप यहाँ से ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक लेने के बाद अब जब भी आपके पास कोई कॉल आएगा या फिर आप किसी को कॉल करेंगे और उस कॉल के दौरान आप जब भी कॉल रिकॉर्डिंग पे टैप करेंगे तो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, किसी भी तरह की कोई और किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग वार्निंग या रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट आपको सुनाई नहीं देगा और सामने वाले पर्सन को भी पता नहीं चलेगा कि उसकी कॉल आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी कॉल रिकॉर्डिंग के अनाउंसमेंट वाले ऑप्शन को डिसेबल करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।